नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसील परिसर पर महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को दिया ज्ञापन एवं पूर्व विधायक का मनाया जन्मदिन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज तहसील परिसर पर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पठारी तहसीलदार सी के ताम्रकार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं समस्त किसान ने की है कि रबी सीजन में कोरोना के प्रकोप से परेशान किसानों ने जैसे तैसे उबर कर खरीफ की बोनी की थी। सोयाबीन उड़द की फसल में वर्षा के कारण पकने का समय आया, तब कीट बीमारी का प्रकोप फसलों पर छा गया। हाल ही में विगत 3 दिनों में भारी बारिश हुई, जिससे फसलों को चौपट कर दिया गया। उन्होंने याद भी दिलाया कि जब कमलनाथ सरकार थी, उस वक्त वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो किसानों को 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देता। अतः वर्तमान में आपकी सरकार है, आपके कहे अनुसार सरकारों को 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा राशि प्रदान करें। ज्ञापन सौंपने वालों में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यादवेश यादव ने समस्त कांग्रेस किसान संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके साथ ही गंज बासौदा क्षेत्र के पूर्व विधायक निशंक जैन का जन्मदिन भी मनाया गया। जन्मदिन के मौके पर मास्क एवं फल वितरण कर सादगी से जन्मदिन मनाया गया। विदिशा पठारी से कैमरामैन नेताराम साहू के साथ आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। जानकारी पर जो पुराना समय कहा रहा है वो वही प्रचलित नहीं, तो मेरे स्तर पे निर्णय नहीं लिया जाता। तो आपने जो जानकारी डाली, ये मौखिक रूप से आपसे निवेदन है हमारे सभी दुकानदार साथियों की तरफ से कि रात 10 बजे तक की अनुमति प्रदान की जाए। जहाँ पर सभी जगह पे लगभग ये चीज हो चुकी है कि रात 10 बजे तक मार्केट खुल रही नहीं कहा है। जो सागर आपके गांव में पटवारी आके सभी अपने अपने खेत का मुआयना करवा लें। क्या है, अब जैसे हमारे इधर अभी पटवारी साहब गए थे तो 4-5 किसानों को लेकर उनके खेतों पे उड़ता और उसकी फसल देखने वो गए। बाकी और लोगों को जैसे मुझे जानकारी नहीं मिली, और भी कई लोगों को जहाँ पर उपस्थित थे उन्हें जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाई। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप अपने किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जो अपने जनप्रतिनिधि हैं किसानों को ढोंडी हम कटवा चुके हैं, एक बार और सूचना करेंगे, क्योंकि आपने कहा है गांव-गांव जाके ढोंडी कोटवार फील्ड दे, पटवारी खुद संपर्क कर रहे हैं और रेंडमली बीच में हम भी जा रहे हैं। वो कहाँ कैसे किस किस गांव में कहाँ कहाँ सर्वे कर रहे हैं, हर एक गांव हर एक खेत को टच किया जाएगा, ये हमारा प्रयास है। और कृषि विभाग के अधिकारी भी साथ में, साथ साथ ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी हैं उनको भी एडीएम साहब की तरफ से आदेश जारी हुआ है। सभी लोग संयुक्त तौर पर गश्ती करके और एक एक व्यक्ति का जो जो नुकसान है उसका पूरा डिटेल देंगे। इसमें कहीं किसी भी एक, हाँ किसी भी एक व्यक्ति या विशेष के तौर पे देख के दूसरे का नहीं बनाया जाएगा। हमारा मतलब सबका अलग अलग जितना भी नुकसान हो प्रदेश शासन भोपाल और माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल श्री तहसीलदार साहब जी के माध्यम से राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के लिए ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसमें निवेदन किया है हमने कि माननीय महोदय आग्रह है कि पठारी तहसील के लगभग सभी ग्रामों में उड़द और सोयाबीन की फसलों का अत्यधिक नुकसान सभी ग्रामों में हुआ है। सभी फसलें अति वर्षा के कारण नष्ट हो गई हैं। इसके अलावा पीले रोग के वजह से उड़द की फसल समूल रूप से नष्ट हो गई है और सोयाबीन की फसल में पीले रोग की शिरकत देखी गई है, जिसकी वजह से फसल सूख रही है एवं फलियाँ नष्ट हो रही हैं और पहली बार सोयाबीन में उग्र रोग देखा गया।